Hi guys, welcome back to you, my YouTube channel that is Meenal Coach's YouTube channel. So, कैसे हो आप सब लोग? Guys, पहले मेरे channel का नाम था Study with Meenal. कैसे हो आप सब लोग guys? I hope you all are fine and awesome. Fine तो क्या होगे? अब तो exam ख़त्म हो चुका है, अब तो आप relax, chill हो. और अब कैसे चले preparation पूछने के लिए कोई मतलब नहीं है. So, मेरे को पता है अब तो exams भी ख़त्म हो चुके हैं हमारे. और कैसे बात आप सबके papers? जल्दी से बताइए. Sorry guys, अभी मैं थोड़ा सा busy थी क्योंकि मेरे को वीडियो नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीजंस की वजह से. सो आज का हमारा टाइटल क्या है वीडियो का? आज का हमारा वीडियो का टाइटल है मींस हाउ टू रिमूव बोरिंगनेस. मतलब जो हम लोग बोर हो रहे हैं कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं. मैम प्लीज़ कुछ बताइए. चलो ये वीडियो आपकी आज उसी क्वेरीज़ को दूर करने के लिए आया है जो आप मेरे को बोल रहे हो ना, हम बोर हो रहे हैं. उसी के लिए मैं आज आपके लिए टॉप 10 चीज़ें लाई हूँ जिससे आप अपनी बोरिंगनेस दूर कर सको. ये देखो, ये रहे, आज भी मेरे पास सब लिखा हुआ है. सॉरी मैं आपके लिए लिख के लाती हूँ, बट गाइज मेरे को अभी हैबिट नहीं है. सो डेफिनेटली मेरे को थोड़े दिनों के बाद हैबिट हो जाएगी. सो चलो बनाए, बताऊँ मैं फटाफट से? जल्द से कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ग्रो कर पाऊँगी और आपके लोगों के प्यार के बिना मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगी. चलो फर्स्ट नंबर मैं बता रही हूँ, बोरियत को दूर करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वेज़ में. मतलब हम हमारी बोरियत जो अब हम बोर हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे दूर करें. देर आर सम इंटरेस्टिंग वेज़ टू रिमूव और टू मतलब हम हमारी बोरनेस को हटा सकते हैं. फर्स्ट रिलैक्स एंड चिल. मतलब हैशटैग फर्स्ट रिलैक्स एंड चिल. हमें क्या करना, हम रिलैक्स कर चुके हैं, चिल हो चुके हैं, बस अब तो हमने बहुत मज़े कर लिए. एग्जाम खत्म हुए, 10 डेज हो गए गाइस, अब क्या करोगे यार, बहुत हो गया, बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत चिल हो गया, बहुत सब कुछ कर लिया. अब हमें क्या करना है, अब हम उस चीज़ को देखते हैं. देखो गाइस, अब मैं एक चीज़ बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा कड़वी है, ये मेरे पे भी एप्लीकेबल है, ये जिसने भी एग्ज़ाम दिया सबके लिए ये एप्लीकेबल है. मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सेफ साइड लेके चल रहे हैं. मतलब हमने हमारा एग्ज़ाम दे दिया, हमने पता है हमने हमारा 120% दिया है, बट एक सेफ साइड लेके चल रहना है हमें कि अगर बाय चांस हम कॉन्फिडेंस है हमारा नेट हो जाएगा, JRF हो जाएगा, वो आप ही बता सकते हो कि आपने पेपर कैसा किया है और आपकी मेहनत किस टाइप की थी. आप उसी से ही हमें पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ कैसे की है. बट जो अब मैं चीज़ बोलने वाली हूँ ना, उस चीज़ का क्या है कि मतलब हमने पेपर कर लिया है, मतलब अब मैं कहना चाह रही हूँ वो चीज़ समझिए, हमने पेपर कर लिया है, बट एक सेफ़ साइड में हम लोग चल रहे हैं कि अगर नेट नहीं हुआ तो, JRF नहीं हुआ तो अब हम क्या करेंगे. तो उसी के लिए हम लोग सेफ़ साइड लेके चल रहे हैं ताकि हमारे जो अब 30 डेज बचे ना वो वेस्ट नहीं हो. तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी. बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप है ना एक सेफ साइड लेके चलो. अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी साइड में प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, अपनी प्रिपरेशन को छोड़ो मत. अगर आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दोगे ना गाइस, तो क्या होगा कि मतलब आपका एक पढ़ने का फ्लो है ना वो टूट जाएगा. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सुबह जल्दी उठो या ये सब चीज़ें करो, नहीं. अब आप क्या करो, मतलब एक डेली वे बना लो. मतलब जैसे 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 4 बजे, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब आप 7 बजे उठ जाओ. ऐसे उठ के मतलब उन वैल्यूज़ ऑफ प्रिपरेशंस को अपनी कंटिन्यू करो. मतलब अपने प्रिपरेशंस को छोड़ो मत, बिकॉज कि अगर 1.1% से भी आपका नेट और JRF नहीं हुआ तो सोचो, थोड़ा सा सोचो और उस चीज़ को है ना मतलब आप एक डिग्निटी में लाओ. मतलब अपनी एक हैबिट बनाओ कि मतलब अगर बाय चांस नहीं हुआ तो हमारा नेट और JRF, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या चीज़ रहती है और मतलब क्या चीज़ हमारे सेफर पॉइंट ऑफ व्यू में रहनी चाहिए. ओके, बिकॉज अब हमारे मतलब एग्ज़ाम हुए, हमारा एग्ज़ाम हुए 10 डेज हो गया है और मतलब 14 मान लो तो भी मतलब हमारे पास 40 डेज थे जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था. तो 40 डेज के बाद मतलब अब 30 डेज मान के चलो रिजल्ट आने में है, तो कम से कम उन 30 डेज को हम लोग ऐसा यूटिलाइज कर पाए ना जिससे वो हमारे 30 डेज वेस्ट नहीं हो. बेसिकली मेरे ये कहने का मतलब है हमें हमारे टाइम को यूटिलाइज करना है, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है. और एक थर्ड चीज़, जो आपको काम नहीं आता ना वो चीज़ आप काम सीखो. जैसे बॉयज़ के लिए हो गया कि मतलब उनको जो चीज़ नहीं आती है वो सीखे. जैसे अपना पैशन होता है, जैसे किसी का गिटार पैशन होता है, क्रिकेट खेलना पैशन होता है, आप अपने पैशन को टाइम दीजिए. जैसे आप अपने पैशन को टाइम देंगे ना तो आपका पैशन क्या करेगा, आपका पैशन आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ की है. तो अब हम उसको टाइम देके अब हम हमारी स्टडीज़ में भी टाइम लाएँ. और सेकेंड जो गर्ल्स हैं,
मेरे जैसी गर्ल्स है, मेरे को चपाती बनानी बिल्कुल नहीं आती है। तो गाइज मैंने भी क्या किया, मैंने भी है ना अभी गोल गोल चपाती बनानी सीखी है 9 to 10 days में। तो आप लोग भी वैसे ही कीजिए कि मतलब चपातीज बनाना सीखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें कीजिए। सो जिससे कि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आप लोग है ना मतलब कुछ न्यू चीज़ सीखेंगे और आप अपने टाइम को कुछ वैल्यूएबल में ले से आ सकते हैं। जैसे जिनको किचन का फियर है वो किचन में जाओ, मतलब कुछ बनाना सीखो, कुछ काम करना सीखो, मम्मी की हेल्प करो, मतलब जो मैरिड है वो मतलब मदर इन लॉ की हेल्प करो, जैसे वो सब चीज़ें भी है सकती है। ओके नाउ फोर्थ, जैसे किसी को क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे कुछ बॉटल्स बना ली क्रिएटिव, जैसे बॉटल्स बनाई क्रिएटिव चीज़ें करो, जैसे मतलब कुछ कार्ड मेकिंग का शौक होता है, किसी को फ्लावर मेकिंग का शौक होता है, किसी को डेकोरेटिव चीज़ें का मतलब इंटरेस्ट होता है। तो अपन लोग उन सब चीज़ों को भी अपन लोग सीख सकते हैं कि मतलब वो सब चीज़ें भी हम लोग यूज़ करें हमारी लाइफ में और उन सब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ें, तो ये सब चीज़ हो सकती है। तो और लास्ट क्या है, और फिफ्थ नंबर, अपने मॉम डैड को टाइम दीजिए। मतलब आपको पता है हम लोग हमारी पढ़ाई में इतने बिजी होते हैं, हम लोग उनसे टाइम नहीं दे पाते। आप अपने मॉम डैड को टाइम दीजिए, अपने जैसे आपको लगता है जैसे टाइम नहीं दे सकते, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव उनसे बैठिए बातें कीजिए, अपने दादा दादी से बातें कीजिए, क्योंकि आपको पता है दादा दादी से हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो उनसे बातें कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, हमारे अपने मम्मा पापा के पास बैठिए। रात को एक टाइम बनाइए, जैसे कि आपका मतलब पढ़ लिया रात को 9 से 10 आपका मतलब मम्मा पापा के पास टाइम है, मतलब उस टाइम नो मोबाइल यूज़ नो कुछ। हमारे खुद के घर में होता है कि हम लोग 9 बजे मोबाइल यूज़ नहीं करते, 9 से 10 हम लोग हमारी फैमिली को टाइम देते हैं। मतलब कि एक घंटा ऐसा बनाइए जिसमें से आप लोग बातें करो कि आपके पूरे दिन में क्या हुआ, हम लोग वो बताएंगे उनके पूरे दिन में क्या हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जिनसे वो कुछ सीखे, कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस वो शेयर करेंगे जिससे अपन कुछ सीख सकते हैं। आपने क्या नया चीज़ सीखी आप उनको बताइए, उन्होंने क्या सीखा वो आपको बताएंगे। मतलब इट्स अ फैमिली टाइम बनाइए, जैसे कि मतलब जैसे मैं मेरे पापा और मेरे मम्मा, ऐसे हम लोग हमारी पूरी फैमिली साथ में बैठते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब हम लोग मतलब ब्रदर सिस्टर्स हम लोग सब साथ बैठते हैं और हम लोग क्या मतलब जैसे वो कोई कॉलेज गए तो उनके आज क्या हुआ, लाइव लेसन्स में क्या हुआ, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें इन 30 days में जमा हो जाएगी। अगर रोज़ की एक यादें भी जमा होगी ना गाइस तो इन 30 days में, और जैसे जो बाहर रह रहे हो तो अपने पेरेंट्स से एक थोड़ा वीडियो कॉल करके टच में रहे तो उन्हें भी एक अपनापन फील होगा। तो एक ये चीज़। सिक्स्थ, देखो गाइस चिल आउट बहुत हो चुका, पूरा टाइम वेस्ट, अब नॉट 9 to 10 days हमने टाइम वेस्ट कर लिया है, अब टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना गाइस तो क्या होगा कि वापस हमारी हैबिट जो बनी हुई है ना पढ़ने की, उनको बनाने में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि देखो पहले हम पता हम 7 से 8 घंटे 4 से 5 घंटे पढ़, अगर जो 4 से 5 घंटे पढ़ते थे पहले तो वो 1 से 2 घंटे पढ़ो, कोई 3 घंटा पढ़ता था तो 1 घंटा तो पढ़ने की हैबिट डालो। मतलब पढ़ाई को छोड़ो मत, 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो बट पढ़ो, मतलब उस पढ़ाई को छोड़ो मत। अगर आपने उस पढ़ाई को छोड़ दिया ना तो मतलब गाइस आपका वो टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा और क्या होगा हमारी हैबिट पूरी की पूरी टूट जाएगी। जैसे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे अच्छी अच्छी बुक्स, जैसे कोई ब्रेन की वर्किंग होती है उसकी बुक्स पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूँगा आप कोई परचेज करके बुक्स पढ़ो, नॉवल्स पढ़ो, 3 friends हो गए वैसी नॉवल्स पढ़ो, नॉवल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स होती है, लव स्टोरीज जिसको पसंद है लव स्टोरीज पढ़ो, जिसको फिक्शन स्टोरीज पसंद है फिक्शन स्टोरीज पढ़ो, मूवीज़ देखो, ऐसी मूवीज़ देखो जैसे कि जिससे कुछ सीखने को मिले, ऐसे फालतू फालतू की मूवीज़ मत देखना जो वो उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, अगर पसंद हो तो आप देख सकते हो बट मेरे को नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। जैसे आश्रम मूवी है मैंने देखी थी बहुत अच्छी है, एक मैंने एक और मूवी देखी थी वो भी बहुत अच्छी, साउथ इंडियन मूवीज़ अच्छी आती है, एक्शन मूवीज़ होती है वो भी अच्छी होती है, आप उन मूवीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ओके अंडरस्टूड, चलो इट्स नाउ 8th point, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप अपने पैरों पे स्टेबल रहिए। आप ऐसा बिजनेस ढूंढिए जैसे अगर आप घर से दूर नहीं जा सकते हैं तो अगर आप कहीं बाहर है तो आप वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करिए। ऑनलाइन बिजनेसेस को देखिए कि मतलब क्या आप ऑनलाइन कर सकते हो, जैसे एक ऑनलाइन मार्केटिंग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप उनको भी कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो, अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप उन सब चीज़ों को भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इन सब चीज़ों से क्या होगा, इन सब चीज़ों से आपके अर्निंग भी स्टार्ट होगी। और गाइस सबको पता है अर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हर एक बंदा, हम JRF और नेट क्यों कर रहे हैं,
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हम सोसाइटी में सर्व करेंगे और सोसाइटी में सेव करने के लिए थोड़ा सा तो अर्न करेगा ही करेगा, क्योंकि हर क्योंकि हम ह्यूमन सोशल बीन है और कोई भी बंदा ऐसा है नहीं है जो नहीं कर सकता। हर बंदे को सोसाइटी में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इट इज़ क्लियर। तो गाइज आप एक अपनी छोटी सी अर्निंग स्टार्ट कीजिए, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, मतलब आप अपने पेरेंट्स पे आप डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। गाइज वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे, बट हमें भी होना चाहिए ना कि हम कुछ करें। ऑनलाइन तो कुछ स्टार्ट करो, मतलब लिटरली जब हम छोटे से स्टार्ट करते हैं ना गाइज तब हम वहाँ पहुँचते हैं। तो छोटे से लेवल पर स्टार्ट कीजिएगा तब आप जाके वहाँ तक पहुँचेंगे। हमारे मॉम डैड ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है, सो अब हमारा चांस है कि हमें उनके लिए कुछ करना है। सो उन वेरियस मोड्स को जानो। अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको टॉप 5 ऐसे मोड्स बताऊंगी ऑनलाइन के, जिससे आप घर पे बैठे बैठे अर्न कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छे, और ये सारी वेरीफाइड साइट्स है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि हाँ मेरे को ये वीडियो चाहिए। टेक कंप्लीट रेस्ट, 9th पॉइंट है, आप कंप्लीट रेस्ट करिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, और जैसे मतलब हेयर स्पा ले लीजिए, पैम्परिंग कीजिए अच्छे अच्छे अच्छा, आप अपने आप का मतलब ध्यान रखिए। अब जैसे थोड़ा सा क्या बोल, पैम्परिंग मतलब आप समझ गए, अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी खुद की कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स की कीजिए, सबकी, उनको पैम्पर कीजिए, उनकी केयर कीजिए, एक्सेट्रा थिंग्स। और स्पेंड टाइम विथ यू लव, आप जिससे भी प्यार करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि हमें ये टाइम बहुत मुश्किल से मिला है। जब तक एटलीस्ट आंसर की नहीं आती है तब तक तो अपना टाइम स्पेंड कीजिए, अपने थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा बहुत मज़े कीजिए। अभी दिवाली भी आ रही है तो थोड़े बहुत और मज़े कीजिए, दिवाली फेस्टिवल सीज़न आ रहा, अपने अपनों के साथ मनाइए और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। यह आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी और मोटिवेशन देगा कि आपको आगे क्या करना है। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ग्रे कर दीजिएगा, और क्या बोलूँ मैं अब आपको। नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहिए गाइस, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को सजेशन दीजिएगा। अगर आपको अगर एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मैं एजुकेशनल वीडियो ला दूँगी, अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो और मेरे को बताइएगा। और गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू। सो गाइस बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अच्छे से पढ़िए, अपने जो प्रियजन होते हैं, अपने जो बिलोंगिंग्स होते हैं, जो स्वीट बिलोंगिंग्स होते हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, बाय। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए जल्दी से मेरे को टॉपिक बताइएगा, नहीं तो मैं अपने हिसाब से लेके आऊँगी। तो अगर नहीं चाहिए तो एजुकेशनल वीडियो ला दूँगी, अगर कोई भी दूसरी टाइप की वीडियो चाहिए तो मैं वो भी वीडियो ला दूँगी। प्लीज़ मेरे को बताइएगा आपको कौन सी वीडियो चाहिए। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेरी वेरी हार्ड, बाय बाय।